आज हम अगला टॉपिक लेंगे एविडेंसीज ऑफ इवोल्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने लिया था कि इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इवोल्यूशन हैज अकर्ड एंड इवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इवोल्यूशन इज कंटिन्यूअस, जब से ऑर्गेनिज्म बने हैं तब से लेके आज तक इवोल्यूशन चलता रहा है, इवोल्यूशन हुआ है। आज साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इवोल्यूशन कभी ना रुकने वाली प्रोसेस है, इट इज कंटिन्यूअस एवर चेंजिंग प्रोसेस है, हमेशा से इवोल्यूशन हुआ है, होता है, होता रहेगा, इवोल्यूशन कभी खत्म नहीं होगा, इवोल्यूशन कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए इवोल्यूशन को हम ग्रेजुअल चेंज कहते हैं, ग्रेजुअल चेंज इन द ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म न्यू स्पेसीज। इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज, आज जितनी स्पेसीज हैं वो सारी इवोल्यूशन से बनी है, हम ऐसा मानते हैं। साइंटिस्ट ये प्रूव करते हैं कि ये जो इवोल्यूशन है इसकी वजह से ही, इसके कारण ही आज दुनिया में इतनी स्पेसीज हैं, एंड ऑल दीज स्पेसीज आर ए रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। और इस इवोल्यूशन के हम आज एविडेंस का जिक्र करेंगे, इसके बारे में क्या क्या प्रूफ साइंटिस्ट देते हैं। सबसे पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है वो बायोकेमिकल एविडेंस है। हम जानते हैं एनिमल की अगर बात करें, इन केस ऑफ एनिमल ऑल एनिमल सेल्स आर अप्रोक्सीमेटली अलाइक, दे आर सिमिलर। एनिमल सेल में सब में लगभग वही ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, और सबका फंक्शन सेम है। सभी में डीएनए है, सभी में वही प्रोटीन है, लगभग सभी में वही एंजाइम है, और उन एंजाइम का फंक्शन भी सब में सेम है। जैसे हम जिक्र करें एमाइलेज एंजाइम, दिस एमाइलेज एंजाइम इज फाउंड इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। आदमी में भी एमाइलेज है, इसी तरह से चूहे में भी एमाइलेज है, सिमिलरली फ्रॉग में भी एमाइलेज है, एंड इन ऑल केस एमाइलेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सब में एमाइलेज डाइजेशन ऑफ स्टार्च करता है। ये जो एमाइलेज एंजाइम है हर ऑर्गेनिज्म में इसका फंक्शन सेम है। इसी तरह डीएनए है, सभी एनिमल्स में, सभी प्लांट्स में, सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए सेम केमिकल से बना हुआ है, वही न्यूक्लियोटाइड डीएनए में, एक हायर एनिमल में है वही लोअर एनिमल में है, वही हायर प्लांट में है वही लोअर प्लांट में है। तो ये एक सिमिलरिटी है जिसको हम बायोकेमिकल सिमिलरिटी कहते हैं, ये बायोकेमिकल एविडेंस है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एविडेंस है इवोल्यूशन का, एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि इवोल्यूशन हुआ है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बना है। लेकिन इसका बहुत बड़ा, सबसे बड़ा क्लू हम मानते हैं एविडेंस फ्रॉम फॉसिल। इसको कहते हैं पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल। एक फॉसिल की स्टडी करेंगे, उस ब्रांच को हम कहते हैं पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉसिल। हम बहुत सारे जीवों के कोई अवशेष मिल जाए, कोई पार्ट मिल जाए, तो साइंटिस्ट जो पैलियंटोलॉजिस्ट हैं वो उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि ये फॉसिल किसका है। आप ये जानते ही हैं कि हमारे पास एक टेक्निक है कार्बन 14 डेटिंग, C14 डेटिंग, एंड दिस डेटिंग इज द टेक्निक ऑफ एजिंग। हम इससे ये पता लगा लेते हैं कि कोई फॉसिल कितने साल पुराना है। आपने न्यूज में टीवी पे देखा होगा कि कभी कभी ऐसी न्यूज आ जाती है कि 2000 साल पुराने फॉसिल मिले हैं, 2000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। एंड
you will be amazing to know that these data are approximately 100% correct. साइंटिस्टों ने रेडियो आइसोटोप डेटिंग से एज निकाली किसी फोसिल की 20,000 साल, तो वो फोसिल लगभग 20,000 साल पुराना ही है, ये डेफिनेट है, ये निश्चित है, क्योंकि ये सारे एक साइंटिफिक फैक्ट पे बेस है. अब जब हमें फोसिल मिले हैं, अगर हम उन फोसिल को अरेंज करें तो विद द हेल्प ऑफ फोसिल वी कैन इजीली नो दैट जुरासिक पीरियड वाज द एज डायनासोर, डेवोनियन पीरियड एज ऑफ फिश, प्रोटेरोजोइक पीरियड इट वाज द एज ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो कौन ऑर्गेनिज्म कब बना ये हम एजिंग से पता लगा लेते हैं कि कितने साल पहले धरती पे कैसे ऑर्गेनिज्म थे. जब फोसिल हमें मिलते हैं तो उन फोसिल में जिसके फोसिल जब ज्यादा थे इसका मतलब उस टाइम वो एनिमल वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा था. तो इस तरह से हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी मिलती है विद द हेल्प ऑफ फोसिल्स एंड वी कैन इजीली नो दैट द विच ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म इन विच, किस समय कौन सा ऑर्गेनिज्म बना है, कौन से ऑर्गेनिज्म का टाइम कब रहा है, हमें ये फोसिल से पता लग जाता है. तो जो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में ये एक बहुत बड़ा क्लू है. कुछ जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसके हमारे पास फोसिल से हम पता लगा लेते हैं और आपको ये जानकारी देके मैं बताऊंगा कि जैसे हम आज हैं ऐसे हम पहले नहीं थे. ये सारा फोसिल से पता लगता है. पहले आदमी के पूंछ होती थी, द एंशियंट मैन हैड टेल, जो सबसे पहले आदमी बना उसके पूंछ थी और वो धीरे 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 वो पूंछ वेस्टिज हो गई. आज भी हमारे शरीर में पूंछ की बोन्स हैं, पूंछ की हड्डियां जो टेल बोन्स हैं हमारे शरीर में आज भी प्रेजेंट हैं. हमारे वर्टिब्रा के एंड में टेल बोन है, कोकिजियल बोन, जो पहले एक्टिव थी आज नहीं है. तो ये सारा फोसिल का एविडेंस. कुछ फोसिल ऐसे भी मिले हैं जो कनेक्टिंग लिंक हैं. जैसे हम ये मानते हैं कि रेप्टाइल के इवोल्यूशन से बर्ड बने हैं, रेप्टाइल इवोल्व इनटू बर्ड, और ये एकदम नहीं होता. इवोल्यूशन एक बड़ी स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है. इवोल्यूशन इज वेरी स्लो प्रोसेस. एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनने में कई बार लाखों साल लग जाते हैं और ये लाखों साल लगने में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है. तो जब एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनती है तो बीच में कई स्टेज आती है, इंटरमीडिएट स्टेज आती है. जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि रेप्टाइल से बर्ड बने हैं, तो रेप्टाइल से बर्ड बनने में थोड़ा थोड़ा चेंज आया और बीच में एक स्टेज ऐसी बनी जो ना रेप्टाइल है ना बर्ड है, वो कनेक्टिंग लिंक कहलाते हैं जिसमें दोनों के करेक्टर होते हैं. जैसे कि यहां आर्कियोप्टेरिक्स वाज ए ऑर्गेनिज्म दैट वाज एनिमल विच इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स. वो ऐसा एनिमल था जिसमें आधे करेक्टर रेप्टाइल के थे, आधे करेक्टर बर्ड के थे. जब रेप्टाइल से बर्ड बने तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी बने जिनमें दोनों के करेक्टर आए, जो रेप्टाइल से आगे है और बर्ड से पीछे है, इसके इवोल्यूशन के बाद बर्ड बने और इसके फोसिल मिले हैं. और फोसिल से साइंटिस्टों ने यह प्रूव कर दिया कि बर्ड आर मेड फ्रॉम दी रेप्टाइल. हक्सले ने तो बर्ड को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल भी कहा. हक्सले एक साइंटिस्ट था, उसने कहा बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स. एक हक्सले साइंटिस्ट हुआ जिसने मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी दी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इसने दी थी हक्सले ने. उसने बताया कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल, यानी कि बर्ड्स रेप्टाइल से बने हैं, बर्ड्स में रेप्टाइल के चेंज आई है. आर्कियोप्टेरिक्स में बीक है लेकिन बीक में टीथ भी है. बीक बर्ड का करेक्टर है और टीथ रेप्टाइल का करेक्टर है. इसमें विंग्स हैं, बर्ड का करेक्टर है लेकिन क्रीपिंग मूवमेंट है, उड़ता नहीं है, रेंग के चलता है. इसलिए आधे करेक्टर बर्ड के हैं, आधे करेक्टर
जब फैल गए हैं। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक हैं जो ये प्रूव करते हैं कि जैसे लंग फिश है, अब लंग फिश जो है लंग से सांस लेती है, दैट नॉट रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स, दिस फिश रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ लंग्स, देयरफॉर इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया। फिश से एम्फीबिया बने हैं, फिश का इवोल्यूशन के बाद एम्फीबिया बने हैं, तो ये जो लंग फिश है प्रोटोप्टेरस इज लंग फिश, द नेम ऑफ लंग फिश इज प्रोटोप्टेरस एंड दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड फिशेज। ये एम्फीबिया और फिश के बीच कनेक्टिंग लिंक है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ फॉसिल मिले और उन फॉसिल में दोनों के करैक्टर हैं जो ये प्रूव करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, बिकॉज दीज ऑर्गेनिज्म हैव करैक्टर ऑफ बोथ टू ग्रुप्स विच आर इंटरकनेक्टेड। तो इस तरह से हमें बहुत सारे एविडेंस हैं और ह्यूमन हॉर्स कैमल और एलिफेंट इनके इवोल्यूशन की लगभग सभी स्टेज के फॉसिल हमें मिले हैं। अगर हम इन स्टेज को सीरियसली देखें तो हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि इस तरह से हो सकता है। पहले आदमी कैसा था, आदमी के पूंछ थी, आदमी का जो जबड़ा था वो आगे को निकला हुआ था, आदमी के जो पैर का पिछला हिस्सा है वो एंकल बोन नहीं थी, आदमी में ये बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो नहीं थे, धीरे 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 उनमें चेंज आई और इस तरह से उस आदमी से मॉडर्न आदमी बना। ये आदमी का इवोल्यूशन हम आगे भी चर्चा करेंगे, इस चैप्टर के एंड में एक टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मैन, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आदमी बना, आदमी का इवोल्यूशन कैसे, होमिनिड एंसेस्टर वाज कन्वर्टेड इनटू मैन, ये इसमें बहुत लंबा टाइम लगा। इनकी सारी स्टेज स्टार्टिंग से लेकर आज तक की सारी स्टेज साइंटिस्टों ने ढूंढी है वो मिली है और उससे हम अगर उनको ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन हैज अकर्ड, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बना है। और हॉर्स में तो बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे पास एविडेंस है। सबसे पहले हॉर्स का साइज एक कुत्ते जितना था, द फर्स्ट हॉर्स वाज लाइक द साइज ऑफ द डॉग, उसकी गर्दन बड़ी छोटी थी, वो पैर में उसके हुफ्स नहीं थे, उसके पैर में पंजे थे। इस तरह से धीरे धीरे उसमें चेंज होता रहा और लंबे समय तक अगर हम एंशियंट हॉर्स को राज के हॉर्स को देखें हम कह नहीं सकते कि ऐसे इवोल्यूशन हुआ होगा, लेकिन अगर हम इनको सीक्वेंस में अरेंज करके देखें तो हमें पता लगेगा कि पहले हॉर्स ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ये ग्रेजुअल चेंजेस थोड़ी थोड़ी चेंज आती चली जाती है एंड ड्यू टू दिस स्मॉल चेंजेस फाइनली व्हेन दीज ऑल चेंजेस आर एक्युमुलेटेड दे ऑल चेंज आर कलेक्टेड इन द ऑर्गेनिज्म दैट चेंज इनटू न्यू स्पीशीज। पहले से कुछ एडवांस ही होता है, कुछ फर्क ही होता है, तो ये सारी की सारी स्थिति धीरे धीरे आती है और इस तरह से इवोल्यूशन होता है। ये इवोल्यूशन एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि इससे ऑर्गेनिज्म बने हैं। एक बहुत बड़ा एविडेंस और अगर हम देखें वेस्टिजियल ऑर्गन, हमारी बॉडी में ऐसे बहुत से ऑर्गन्स हैं जो किसी टाइम में एक्टिव थे, आज वो ऑर्गन एक्टिव नहीं है। अगर हम कैनाइन टीथ की बात करें, पहले हमारे कैनाइन काफी बड़े होते थे, जब हम कार्निवोरस थे, जंगलों में रहते थे, मांस खाते थे, एट द टाइम अवर कैनाइन वर वेरी लार्ज। धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज होती रही, इवोल्यूशन होता रहा और आज ये कैनाइन हमारे रिड्यूस हो गए। इसी तरह से हमारे एक विजडम टीथ है, इसी तरह ईयर मसल्स हैं, पहले आदमी अपने कानों को मूव कर लेता था, हिला लेता था जानवरों की तरह, ईयर्स वर मूवेबल, आज आदमी में ये ईयर्स मूवेबल नहीं है, वो मसल्स वेस्टिजियल होगी। एक हमारे उसमें अपेंडिक्स, जब आदमी घास फूस खाता था, जंगलों में रहता था, तो आदमी में ये अपेंडिक्स एक्टिव थी,
अपेंडिक्स पाई जाती थी, और ये अपेंडिक्स आज हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये जो अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स आज हमारे शरीर में किसी काम के नहीं है, ये यूजलेस है। तो ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, और ये सारे प्रूव करते हैं कि उनके रिमेन्स टेल बोन है, कोकिजल बोन। टेल बोन पहले एक्टिव थी, आदमी के टेल होती थी, आज उनके वेस्टिज हमारे अंदर पाए जाते हैं, और ये प्रूव करते हैं कि ये ऑर्गन जो आज वेस्टिजियल हैं, दे आर नॉट एक्टिव टुडे, दे आर बीइंग डिजनरेटेड टुडे, टुडे देयर रिमेन्स आर लेफ्ट। ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन आज भी हमारे शरीर में बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है, और इन वेस्टिजियल ऑर्गन से हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आदमी में इवोल्यूशन हुआ है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू, होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस, होमोलोगस ऑर्गन्स एक जैसे ऑर्गेनिज्म में ऐसे ऑर्गन विच हैव सेम स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन, ओरिजिन भी सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है, बट फंक्शन इज डिफरेंट। ऐसे ऑर्गन को हम कहेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन आर दोज ऑर्गन विच हैव सेम स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन, बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट। अगर हम लेग की बात करें, हॉर्स में, मैन में, बैट में, बैट के फोर विंग्स हैं, आदमी के लेग्स हैं, हॉर्स के जो फोर लेग्स हैं, ये सारे देखने में बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारे तो हाथ हैं जो ग्रिप का काम करते हैं, बैट में जो अगले पैर हैं वो पंख के रूप में मॉडिफाइड हैं, हॉर्स में रनिंग के लिए मॉडिफाइड हैं। अगर इनकी ओरिजिन देखें, जर्मिनल लेयर में तीनों एक ही लेयर से डेवलप हैं, तीनों का ओरिजिन सेम है, फंक्शन तीनों का डिफरेंट है, बोन तीनों में सेम है। जो बोन की जो इनकी पैटर्न है, डिजिटल है, जो वो इनकी स्ट्रक्चर में, वो सारी की सारी बोन इनमें सेम है, लेकिन फंक्शन तीनों का डिफरेंट है। ये एक जैसी ओरिजिन, एक जैसी स्ट्रक्चर होते हुए डिफरेंट फंक्शन में मॉडिफाई हुई, इसका मतलब इवोल्यूशन की वजह से, रिक्वायरमेंट की वजह से। और ऐसे इवोल्यूशन को जिसमें सेम स्ट्रक्चर और सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन करती है, उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये कौन सा इवोल्यूशन है? डाइवर्जेंट। होमोलोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बिकॉज इन दीज डाइवर्ज हैव अकर्ड, दे हैव डाइवर्ज फ्रॉम ए सेंट्रल ओरिजिन, उनमें डाइवर्ज हुआ। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, उनको हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। दूसरा है एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन्स आर टोटली अपोजिट ऑफ होमोलोगस। होमोलोगस ऑर्गन में क्या है? ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर इज सेम, यहां फंक्शन इज सेम, फंक्शन सेम है, बट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। दोज ऑर्गन्स विच हैव सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन आर नोन एज एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन में विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड, अगर हम दोनों के देखें, बर्ड में भी विंग्स उड़ने का काम करते हैं, फ्लाइंग का काम करते हैं, इंसेक्ट में भी ये फ्लाइंग का काम करते हैं। तो ये जो दोनों में ओरिजिन डिफरेंट है, जो
बर्ड के विंग है, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स एंड इनसेक्ट दे आर एक्चुअली ए प्रोजेक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इन दोनों की काम सेम है, फंक्शन सेम है फ्लाइंग, लेकिन ओरिजिन और स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग पार्ट से सेम तरह के ऑर्गन बने, ये इवोल्यूशन है। रिक्वायरमेंट हुई, चेंज हुआ, तो वहां मेम्ब्रेन कन्वर्ट हुई विंग में, यहां फोर लेग कन्वर्ट हुई विंग में। इट इज द रिक्वायरमेंट, इट इज द इवोल्यूशन, इट इज द बेसिक प्रोसेस दैट हैव अकर्ड इन द एनिमल। और इस तरह के इवोल्यूशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस वाला डाइवर्जेंट, एनालोगस रिप्रेजेंट करता है कन्वर्जेंट। तो ये इवोल्यूशन हुआ है, हम ऐसा मानते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गन रिक्वायरमेंट थी वो बने हैं, लेकिन ये इवोल्यूशन इतना इजी नहीं है, इस इवोल्यूशन में बड़ा लंबा समय लगता है। इवोल्यूशन के लिए एक साइंटिस्ट था डार्विन, चार्ल्स डार्विन, एंड डार्विन रोट ए बुक कॉल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। दिस इज ए वेरी फेमस बुक, द बुक रिटन बाय डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज वेरी फेमस बुक इन अबाउट द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, अबाउट इवोल्यूशन। डार्विन ने इसमें बताया एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बना है, तो डार्विन ने यह बताया कि ऑर्गेनिज्म कैसे बना। ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एक बुक है डार्विन की, उसमें इसने इस बात का वर्णन किया हाउ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब उसने इसमें यह बताया कि नेचुरल सिलेक्शन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। देखो, वेरिएशन तो हमने जेनेटिक्स में पढ़ा पहले, वेरिएशन इज ऑलवेज प्रेजेंट, वेरिएशन हम सब में है, मेरे में, आप में, आपके भाई बहन में, सब में वेरिएशन है। हर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन है, सेम स्पीशीज में वेरिएशन है, एक जैसे दो ऑर्गेनिज्म, एक जैसे दो एनिमल में वेरिएशन होता है, और इस वेरिएशन की वजह से हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, हर आदमी दूसरे आदमी से डिफरेंट है ड्यू टू दिस वेरिएशन। लेकिन कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं, कुछ वेरिएशन हार्मफुल होते हैं। जो वेरिएशन सर्वाइवल में मदद करें, डार्विन ने इसको नाम दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में अगर कई वेरिएशन में से कोई वेरिएशन ऐसा है जो किसी ऑर्गेनिज्म को उस पार्टिकुलर एनवायरमेंट में रहने के लिए हेल्पफुल है, तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, उनमें अच्छा जीवित रहेगा, जिसमें वो अडेप्टेशन है, जिसको नेचर फ्लेक्स करेगा, जो नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा, वो जिंदा रहेगा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक मौत का आया और उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है अबाउट मौत। ये मौत एक जानवर है, एक प्लांट के ऊपर रहने वाली ये मौत एक स्पेशीज है। ये दो तरह की होती है मोस्टली, एक डार्क कलर, एक लाइट कलर, एक व्हाइट कलर होती है, एक ब्लैकिश कलर होती है। ये ब्लैकिश है डार्क कलर और ये व्हाइटिश है। हम जानते हैं 1850 के बाद कोल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। जब कोयले का यूज स्टार्ट हुआ, उससे पहले ये डार्क कलर की जो मौत थी, इट वाज मिनिमम, इसकी संख्या बहुत कम थी। क्यों थी?
क्योंकि डार्क कलर की मौत बर्ड को दूर से दिख जाती थी, इसका कलर डार्क था और ये रंग इसका ऐसा था कि बर्ड को दूर से दिख जाता था, लाइट कलर नहीं दिखता था, जिसकी वजह से क्या बर्ड इसको दूर से देख के खा जाती थी। बर्ड के लिए फूड, ये इजीली बर्ड के ये एक तरह से फूड का काम करती थी, प्रीडेटर जो बर्ड है वो इसको खा जाती थी, बिकॉज इट वॉज इजीली विजेबल, क्योंकि उस टाइम ना तो कोयला था ना राख थी। 1850 के बाद कोल रिवोल्यूशन आया, और जब कोल रिवोल्यूशन आया तो क्या हुआ कि कोयले की राख, कोयले का धुआं, कोयले की कालिख, दैट वॉज डिपोजिटेड ऑन द प्लांट एंड देयर फॉर ड्यू टू दैट कोल डिपोजिट दिस ब्लैकिश कलर वॉज नॉट विजिबल टू द बर्ड। अब ये क्योंकि राख भी काली सी होती है और ये इसका रंग भी काला सा होता है, तो उसके रंग में ये मैच कर जाती है। अब ये जो डार्क कलर की मौत थी ये नहीं दिखी, ये बर्ड को खाने के लिए नहीं मिली, जिसके कारण क्या हुआ कि बर्ड ये डार्क कलर की मौत की संख्या बढ़ गई। अब क्योंकि अब कलर थोड़ा डार्किश आया तो ये जो व्हाइट कलर की ये विजिबल हुई, बर्ड कौन सी मौत को खाने लगी ज्यादा, व्हाइट को। अब क्या हुआ, अब ये व्हाइट की संख्या अल्टीमेटली घटी। पहले व्हाइट की संख्या ज्यादा थी, लाइट कलर वाली मौत की संख्या ज्यादा थी जब तक कोयले का यूज नहीं था। अब क्योंकि कोयले का यूज हुआ, उसकी राख डिपॉजिट हुई जगह जगह, कालस डिपॉजिट हुई जगह जगह, ब्लैकिश वो डिपॉजिट हुई, उस कलर में ये ब्लैक कलर की मौत को ये नेचुरल एडवांटेज मिला, नेचुरल सिलेक्शन में ये जो ब्लैक कलर की मौत थी ये धीरे धीरे, ये जो ब्लैक कलर की मौत है ये संख्या में कंपेरेटिवली बढ़ी, और ये जो दूसरी जो मौत थी ये संख्या में कंपेरेटिवली घटी, क्योंकि ये प्रीडेटर होगी। इसके बाद फिर से कुछ टाइम के बाद 1920 के बाद ये डीजल पेट्रोल यूज हुए, और ये जो इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आया, इलेक्ट्रिसिटी का रिवोल्यूशन आया, उसमें क्या हुआ कि उसमें कोयले का यूज फिर कम हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज आया, इलेक्ट्रिसिटी में ना धुआं उठता ना कोई डिपॉजिट होता, तो उससे क्या हुआ कि फिर से व्हाइट कलर वाली को एडवांटेज मिला, ब्लैकिश कलर खत्म हुआ, ब्लैकिश फिर से बर्ड के लिए प्रीडेटर हुई, तो ब्लैकिश कलर दिखनी शुरू हुई और जो लाइट कलर की है वो दिखनी शुरू नहीं हुई, तो जिसकी वजह से ये ब्लैकिश फिर से घट गई। ये एक चेंज है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में हम मौत को देखते हैं कि इसकी डिफरेंट टाइम पे, जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है वैसे वैसे इसमें चेंज आ जाती है, तो ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन का प्रूफ माना जाता है। इसको नेचुरल के हिसाब से, नेचुरल सिलेक्शन, ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में नेचर के अनुसार जो अपने आप को डाल लेता है, नेचर के लिए जो बेनिफिट होता है वो जीव जीवित रहता है, और जो नेचर के हिसाब से नहीं डलता वो जीवित नहीं रहता। ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। इसके बाद अगला एग्जाम्पल जो इसमें आता है वो है एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल, हम बात करें मॉस्किटो की, ये इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। आप सभी देखते हैं हम मच्छर को मारने के लिए दवाइयां छिड़कते हैं, और ये दवाइयां पता नहीं कब से छिड़की जा रही हैं, और बहुत सारे मच्छर इसमें मर जाते हैं, और ये जो मच्छर मर जाते हैं उनमें से कोई एक आध मच्छर जिंदा रह जाता है, वो बचता है, जिसपे वो दवाई असर नहीं करती। तो जिसपे वो दवाई असर नहीं करती उसपे वेरिएशन है, वेरिएशन की वजह से वो मच्छर दवाई के प्रति रेजिस्टेंट है, दैट इंसेक्टिसाइड, दैट मेडिसिन, दैट पेस्टिसाइड डू नॉट फंक्शन, डू नॉट वर्क, डू नॉट किल दी मॉस्किटो, एक दो बच गया। अब आगे जो मच्छर पैदा होंगे वो उसी के होंगे जो मच्छर बचा। ये जो मच्छर बच जाते हैं तो जब वो आगे मच्छर पैदा करते हैं तो अब हमारे पास जो मच्छर आएंगे वो सारे के सारे रेजिस्टेंट होंगे, इन मच्छर पे वो दवाई कार्य नहीं करेगी, वो नॉन फंक्शन। अब कुछ टाइम के बाद सारे मच्छर रेजिस्टेंट होंगे, वो दवाई जिससे पहले मच्छर मर जाते थे अब नहीं मरेंगे, फिर हम कोई नई दवाई ढूंढेंगे। अब ये वास्तव में नई स्पेसीज इवॉल्व हुई, जो अर्ली स्पेसीज थी वो
एक्सटिंक्ट हुई, वो खत्म हुई, वो समाप्त हुई, और अब जो नई स्पेसीज बनी वो रेजिस्टेंट है। फिर हम कोई नई दवाई ढूंढेंगे, वो नई दवाई छिड़केंगे, नई दवाई में भी यही होगा। मान लो ये 1000 मच्छर हैं, इनमें से 990 मच्छर मर गए, 10 मच्छर वो बचे जो उसके प्रति रेजिस्टेंट है, जिनमें वेरिएशन है, अब वो 10 बचेंगे। कुछ टाइम के बाद, एक साल के बाद, जो मच्छर होंगे वो सारे रेजिस्टेंट पैदा हो जाएंगे, उनको वो दवाई काम नहीं करेगी। इस तरह से इवोल्यूशन कंटिन्यूस होता रहता है, लगातार चेंज होता रहता है, नई नई प्रोसेस, ये सारा नेचुरल सिलेक्शन है और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो ये है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन।